हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी बताने वाली हूं जो कि आपके पूरे बॉडी के लिए स्किन व्हाइटनिंग की तरह काम करता है, आपके चेहरे के रंग को साफ करता है, या सन टैनिंग की समस्या हो गई है, दाग धब्बे हो गए हैं, ब्लैक हेड्स की समस्या हो, ओपन पोर्स की समस्या हो, सबको रिमूव करेगा। और यहां तक कि अगर आपके बॉडी में डार्कनेस हो गई है या सन टैनिंग हो गई है तो तुरंत आपको ग्लो देखने को मिलेगा। ये रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है, तो आप इसे चेहरे पे और पूरे बॉडी पे भी अप्लाई करेंगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा। तो इस रेमेडी को बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए उस रेमेडी को मैं बनाना बताती हूँ। इसके लिए आपको एक बाउल ले लेना है और इसमें आपको बेकिंग सोडा का प्रयोग करना है। बेकिंग सोडा को हम मीठा सोडा भी कहते हैं जो, और खाने वाला भी सोडा कहते हैं जिसे हम प्रयोग करते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे आपको बेकिंग सोडा का प्रयोग करना है। ये आपको इजिली कहीं पे भी मिल जाएगा, किसी भी शॉप में आपको पैकेट वाला भी मिल जाएगा और खुला भी मिलता है। तो यहाँ पे मैंने इसे डिब्बे में रख लिया था। और बेकिंग सोडा बहुत ही इफेक्टिव होता है, यह स्किन को व्हाइट करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है और सन टैनिंग को भी रिमूव करता है। और ये दरदरा होता है जो कि एक स्क्रब की तरह भी काम करता है। तो यहाँ पे आपको अपने फेस या बॉडी के अकॉर्डिंग बेकिंग सोडा को ले लेना है। और सेकेंड जो हम यहाँ पे इंग्रेडिएंट यूज करेंगे उसके लिए आपको नींबू का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, नींबू के बारे में मैं आपको बता दूँ तो नींबू में विटामिन सी और साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी आपके स्किन के रंग को साफ करने के लिए, सन टैनिंग को रिमूव करने के लिए, डार्कनेस को खत्म करने के लिए, और रिंकल झुर्रियों की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए, और ओपन पोर्स की समस्या से छुटकारा दिलाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे आपको आधे नींबू के रस का प्रयोग करना है। आप कितना भी प्रयोग कर सकते हैं, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके आपको एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करना है। अगर आपको क्वांटिटी कम लगे तो आप इसमें और भी बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं। और बेकिंग सोडा की खासियत है कि जब आप इसमें नींबू को ऐड करेंगे, नींबू के रस को डालेंगे, तो इसमें झाग बनना शुरू हो जाता है। और यही पहचानने की इसकी पहचान है, जब झाग बनना शुरू हो तो आप समझिए कि बेकिंग सोडा ही है। तो इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी कम था, मैंने और थोड़ा सा ऐड कर लिया है बेकिंग सोडा को। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा गाढ़ा ही पेस्ट आपको तैयार करना है। अब इसे अप्लाई करने से पहले आपको उस जगह को क्लीन कर लेना है जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे फेस पे हो या बॉडी पे हो, कहीं भी। तो जहाँ पे भी आपको सन टैनिंग है या सन टैनिंग को रिमूव करना चाहते हैं या डार्कनेस को, या अगर फेस पे ही लगाना चाहते हैं, फेस को गोरा करना चाहते हैं, तो उसको पहले आप अच्छे से फेस वॉश से क्लीन कर लीजिए। फिर फेस से लेकर नेक तक आप अच्छे से इस पैक को अप्लाई कर लीजिए और 10 से 15 मिनट के लिए आपको अपने फेस पे रखना है। उसके बाद अपने हाथों को पानी से गीला करना है और इस पैक को हल्का सा रब करते हुए, सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए ठंडे पानी से धो लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप इस पैक को लगा के तुरंत जब धोएंगे तो आपको तुरंत ही पता चलेगा कि आपकी स्किन काफ़ी टाइट दिखाई दे रही है। स्किन से जो डर्ट थे, डार्कनेस थी, सन टैनिंग थी, वो रिमूव हो जाएगी। और जो रिंकल्स, झुर्रियों की समस्या है वो भी रिमूव हो जाएगी। जो डेड सेल्स हो जाते हैं वो भी इस मसाज करते हुए, जब आप इसे निकालेंगे धोएंगे तो ये भी जो डेड सेल्स है वो भी स्किन निकल जाएगी। ये बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप हफ्ते में इसे 3 बार यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। आपके डार्कनेस को, सन टैनिंग की समस्या को खत्म करता है और आपके चेहरे के रंग को धीरे धीरे साफ करने लगता है। बहुत ही इफेक्टिव है। इस रेमेडी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आई होप कि आपको हमारी वीडियो काफी यूजफुल लगी होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।